दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आखिरकार पठान मूवी ने पिछले 54 घंटों के भीतर कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। आखिरकार हमारे देश के मुख्य सिटीज स्टेट्स में किस लेवल का रिस्पांस पठान को लेकर देखने को मिला है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, कानपुर, नागपुर, वडोदरा, लुधियाना, आगरा, नासिक, राजकोट, अमृतसर, इंदौर, रायपुर, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, रांची, गुवाहाटी, ग्वालियर, इन सभी जगहों पर किस लेवल के रिस्पांस देखने को मिले हैं, यहां पर कितने करोड़ रुपए तक की कमाई की है इन अलग अलग सिटीज और स्टेट्स में, जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर एक लिस्ट देख सकते हैं। मुंबई में अभी तक एटलीस्ट पिछले 54 घंटों के भीतर 1,46,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। दिल्ली में 1,42,00,000 रुपए, पुणे में 45,06,000 रुपए, बेंगलुरु में तकरीबन 98,60,000 रुपए, हैदराबाद में 1,39,00,000 रुपए, कोलकाता में 1,43,00,000 रुपए, अहमदाबाद में 25,60,000 रुपए, चेन्नई में 19,35,000 रुपए, सूरत में 8,90,000 रुपए, जयपुर में 16,08,000 रुपए, चंडीगढ़ में 6,99,000 रुपए, भोपाल में 8,84,000 रुपए, लखनऊ में 20,19,000 रुपए, वहीं पर कानपुर में 12,66,000 रुपए। वही अगर हम बात करें तो इसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर टावर दो लेवल का कलेक्शन कर रही है, जिसके लिस्ट में आप इस तरह से देख सकते हैं कि नागपुर में 10,69,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, वडोदरा में 7,99,000 रुपए, लुधियाना में 3,33,000 रुपए, आगरा में 5,82,000 रुपए और नासिक में 4,48,000 रुपए, राजकोट में 2,63,000 रुपए, अमृतसर में 25,270 रुपए और इंदौर में 7,88,000 रुपए, रायपुर में 5,93,000 रुपए, भुवनेश्वर में 9,86,000 रुपए, औरंगाबाद में 12,89,000 रुपए, रांची में 4,21,000 रुपए, गुवाहाटी में 14,28,000 रुपए और ग्वालियर में 1,30,000 रुपए। इस तरह के कलेक्शन रिपोर्ट आ रहे हैं इन सिटीज और स्टेट्स में। ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म को लेकर जो टोटल कलेक्शन हुआ है पिछले 54 घंटों के भीतर वो है 14,38,00,000 रुपए। गाइस फाइनली इस फिल्म ने 54 घंटों के भीतर 14,38,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है और देखा जाए तो टोटल जो टिकट बुक हो चुके हैं जिसको लेकर अभी तक डाटा आई है वो है 4,32,782 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। यहाँ 4,32,782 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 382% तक उछाल देखने को मिला है इसके कलेक्शंस में। वेल दोस्तों जिस लेवल का ताबड़तोड़ लेवल का कलेक्शंस कर रही है, शायद इस फिल्म का टक्कर शायद बॉलीवुड के इतिहास में क्या पूरे इंडियन सिनेमा के इतिहास में किसी भी फिल्म ने नहीं दिया होगा, नहीं दे पाएगी। वेल दोस्तों इस लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है पठान को लेकर पिछले 54 घंटों का रिपोर्ट है। वेल आप लोग जानते होंगे कि जब भी फिल्में की सबसे अच्छी खासी एडवांस बुकिंग होती है, किसी भी फिल्म की सबसे बेहतरीन एडवांस बुकिंग आखिरी दो दिनों में होती है। जब उसको जब रिलीज के आखिरी दो दिन बचते हैं तब जाके बेहतरीन एडवांस बुकिंग होती है और अभी से जो हाल देख रहे हैं पठान को लेकर, सोच सकते हैं जब आखिरी के दो दिन बचेंगे तो किस लेवल का हाल पठान को लेकर देखने को मिलेगा। ये गाइस पठान मूवी बायकॉट गैंग्स के गालों पे करारा तमाचा जड़ रही है, ऐसा करारा तमाचा कि वो दोबारा कभी भी किसी फिल्म को बायकॉट नहीं करेंगे। वेल दोस्तों आपके क्या रिएक्शन है इस पर नीचे कमेंट जरूर बताइए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो लोग आपके लिए काफी।